हे फ्रेंड्स, वेलकम टू चोपड़ास किचन। आज हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चार स्लाइस लिए हैं, ये 2 दिन पुराने हैं। आप चाहे तो फ्रेश भी ला सकते हैं और इसके कॉर्नर काट के बना सकते हैं। मैं ऐसे ही बनाऊँगा, तो अभी से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे जिससे कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इस तरीके से इसे काट लिए मैंने, और ये एक मैंने ग्राइंडर लिया है। ये सारे पीस मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगा। तो ये जब भी आप जैसे कोई स्नैक्स खाने का मन हो तो उसकी उसको क्रंची क्रिस्पी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो अब इसे मैं ग्राइंड कर लेता हूँ। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है इसे। अब इसे हम जो ड्राई रोस्ट करेंगे, गैस ऑन करके मैं पैन रख देता हूँ। अब इसे लगभग 3 से 4 मिनट हम ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। अब इसे स्पैटुला से अच्छी तरह हम रोस्ट करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बाज़ार से आप लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है ये। रोस्ट होने लग गए हैं अच्छे से। अब ये क्रिस्पी जब तक हो जाएंगे आप इसे रोस्ट करते रहेंगे। आप इसकी आवाज़ देखिए, सुन सकते हैं कैसे इसकी आवाज़ आ रही है। अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं ये, तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये। बहुत ही इजी तरीके से बनाए हैं, मैंने बन गए हैं। अब इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख के इसे 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। आवाज़ देखिए इसकी कितने क्रिस्प। तो लीजिए, तैयार हैं आपके ब्रेड क्रम्स। आप किसी भी तरीके के स्नैक्स पे इसको कोट कर सकते हैं। पकोड़े हो गए, नॉन वेज हो गए, चिकन, पनीर टिक्का, सब में अलग ही क्रंच आएगा इसको कोट करके बनाएंगे तो। और इसे आप 1 महीने तक यूज़ भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब तक देखते रहिए चोपड़ास किचन।